वापस से मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिले। अगर ये एग्जाम में देखने को मिलेगा दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्या होता है जब अपन डायग्राम को बोर्ड में बना लेते हैं ना तो इससे चीजें क्लियर नहीं हो पाती कभी कभार। कभी कभार ऐसा लगता है कि सर ठीक है आपने बता तो दिया लेकिन वो फील नहीं आई। फिजिक्स जब तक फील नहीं आती ना तब तक समझ में नहीं आती। जब तक फिजिक्स की फील नहीं ली जाएगी तब तक भी फिजिक्स नहीं आएगी। तो चलिए फील लेते हैं ठीक है। अगर किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में फील नहीं आई है, किसी को ऐसा लगता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी में फील नहीं आई, तो मुझे बता देना। सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना, दो वायर्स लेकर आनी है, लगा देनी है। कुछ में आर्मेचर है कुछ इस तरीके से, एंड आर्मेचर को अपन रोटेट करवाते हैं एंड ड्यू टू द रोटेशन करंट गेट्स जनरेटेड। कौन से प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पर कुछ ऐसे अपन ने ये अपने दो टर्मिनल्स मिल जाते हैं ठीक है। अब देखिए कौन सा रूल यूज किया था अपन ने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट के बारे में बताता है। फ्लक्स जब इंक्रीज करता था तो करंट की डायरेक्शन कुछ मिलती थी, फ्लक्स जब डिक्रीज करता था करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट मिल जाती थी। और इस तरीके से मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग टाइप का करंट जनरेट होता था। दिस वॉज इनिशियली बेस्ड अपॉन विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल? दिस वॉज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड द इंडक्शन प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। किसके द्वारा किया गया? माइकल फैराडे ठीक है। पता है कभी कभार एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको आपके एग्जाम के अंदर भी दिया था वो स्टेड वाला, ऐसे ही कुछ इस तरीके से माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया। ये भी आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि विच साइंटिस्ट इट फर्स्ट डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको क्या बोलना है? माइकल फैराडे ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा जो है, जो फिनोमिना है, इट फर्स्ट किसने डिस्कवर किया? ये तो ये फर्स्ट डिस्कवर किया है माइकल फैराडे ने। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ मोटर थ्रू ए वीडियो। तो आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन, अपने लैपटॉप स्क्रीन, अपने फोन पे क्लियरली देखिए, फोकस्ड रह के देखिए। और अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो मैं आपका डाउट लेना शुरू करूंगा। चलिए अपन वीडियो देखते हैं। बच्चों गौर से देखना है ये वीडियो क्या कहता है, किसके बारे में बताता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है उसके बारे में बता रहा था। स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस? आई एम शोइंग यू आर वीडियो एंड यू आर मेकिंग दीज थिंग्स ऑन दी बोर्ड। मुझे पता चल जाता है यहाँ पर कि कौन ये बच्चा कर रहा है। आई विल रिमूव दैट स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लास। और मैं आगे अलाउ भी नहीं करूंगा ऐसे बच्चों को जो क्लास में करेंगे। मेरे को पता चल गया है कौन कर रहा है, बोलू क्लास के सामने, सबके सामने नाम। वॉट इज दिस? चलिए देखिए वीडियो।
चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी अपन ने वीडियो के थ्रू ये देखने की कोशिश की किस तरीके से स्लिप रिंग्स काम करती हैं, किस तरीके से रोटेशन के थ्रू फ्लक्स कब बढ़ता है कब कम होता है। फिर उसके बाद अपन ने ये देखा कि राइट हैंड रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, फ्लक्स बढ़ेगा फिर फ्लक्स कम होगा, डायरेक्शन करंट की बदलती रहती है, और इस टाइप के जनरेटर को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, ऐसे 3D एनिमेशन देख के अपने साथ होता क्या है, ऐसे 3D एनिमेशन देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि हाँ, दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग चल रही होगी, कैसे सारा एक चीज काम कर रही होगी, अब हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका है, अब हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी हमसे पूछेगा AC जनरेटर, हम बोलेंगे कौन सी रिंग, हम बोलेंगे स्लिप रिंग। कोई बोलेगा DC जनरेटर, हम बोलेंगे DC के अंदर क्या लगाओगे, स्प्लिट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? स्प्लिट रिंग लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, या ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास वर्किंग निकल के आती है AC जनरेटर की। DC जनरेटर में क्या होगा, रोटेट तो वो वैसे ही कर रहा है, बट यहाँ जो रिंग्स हैं वो हाफ में स्प्लिट हैं, तो करंट की डायरेक्शन जो सामने निकल के आती है, अभी आपने देखा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एक बार ऐसे डिफ्लेक्शन चेंज होता रहेगा, बट जब अपन स्प्लिट रिंग्स को यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज स्प्लिट रिंग क्या कर देता है, यूनिडायरेक्शनल करंट को फॉर्म कर देता है। इस तरीके से हमने क्या देखा, वर्किंग देखा किसका, जनरेटर। ठीक है, चलिए अब अपन डाउट लेते हैं, अपन देखते हैं कुछ डाउट आए हैं बच्चों के, उसको चेक करते हैं क्या आता है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, NCERT में शेयर कर रहा हूं, NCERT में शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, यू कैन सी द NCERT स्क्रीन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, इसके ऊपर अब अपन को दिख रहा है क्या चीज, NCERT के क्वेश्चंस। लेट अस सॉल्व दीज। फर्स्ट क्वेश्चन कल अपन ने सॉल्व कर ही लिया था, फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया था अपन ने, देखा था एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर क्या होता है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देख लिया था, अपन ने शॉर्ट सर्किट को भी देख लिया था कि शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में भी करंट क्या होता है वो भी देख लिया था। सिक्स्थ के अंदर अपन ने ये देख लिया था ट्रू फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो अपने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करती है कन्वर्ट, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है, तो पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया। तीसरा जब अपन ने देखा कि क्या था, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर विल कैरी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तो सेंटर पे बिल्कुल पैरेलल होती है, ट्रू था। फिर अपन ने देखा कि ग्रीन इंसुलेशन लाइव वायर का बिल्कुल फॉल्स है, लाइव वायर का इंसुलेशन क्या होता होता है, रेड होता है, ग्रीन इंसुलेशन किसका होता है, अर्थ वायर का होता है। चलिए अब मुझे कौन बता सकता है, सेवेंथ क्वेश्चन, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, हू कैन टेल मी कि अपन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, फटाफट हैंड रेज करके बताएं। सॉलिनॉइड, सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं, और उन कॉइल्स के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड अचीव होता है विच इज पैरेलल इनसाइड द सोलेनोइड, और इसके प्रॉपर्टीज अपन ने देख लिए थे। अदर एग्जांपल कौन बता सकता है मुझे, एक और एग्जांपल रौनक सर, वन मोर एग्जांपल इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर,
बिल्कुल सही बात है, अ करंट कैरिंग, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बताता है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जनरेट होता है। तो जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लूप्स। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अगले क्वेश्चन पे अपन चलेंगे, देखते हैं। इसके बाद है अपने पास, हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। कौन बता सकता है कि कैसे एक सोलेनोइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? ओनली रेज देयर हैंड्स, आप रेज हैंड करके बताएं बच्चे, मैं यहां पर आपसे पूछूंगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हैंड्स रेज करो, 5, 6, 7। ठीक है गौतम, ओके दिशिता, विनीत, वेरी गुड वेरी गुड। और चाहिए मुझे हाथ, और चाहिए। चलिए सारे हाथ धड़ लेके जाऊंगा आज मैं अपने साथ, जितने हाथ मिलेंगे उतने बढ़िया है। कपिल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कपिल। सर इसका आंसर मैं बताऊं? अभी बेटा आपका माइक तभी ओपन किया है, आपका माइक ओपन किया तभी आप बताओगे, और कोई थोड़ा ना बताएगा। हाँ सर, सर सोलेनोइड करंट की स्पीड को रोक देता है, और ये हमें भी आपने बताया था कि करंट से ही ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हाँ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फिर बेटा आगे, तो सर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसलिए वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, आई वांट कंप्लीट आंसर। चलिए अपन मोनिश माथुर। गुड मॉर्निंग मोनिश सर। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड इज सेम एज द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट एंड द साउथ पोल इज सेम एज ऑफ बार मैग्नेट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। मोनिश ने बिल्कुल अच्छा आंसर बताया, बहुत परफेक्ट आंसर बताया। जब भी अपन सोलेनोइड का फोटो देखते हैं, सोलेनोइड का ऐसा डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर अपन को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिले, तो वहां क्या देखा जाता है? वहां ये देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्ड बाय सोलेनोइड। बुक के अंदर ही देखते हैं, बुक है इसके अंदर अपने पास डायग्राम होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहो, आपको डायग्राम दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में। होता क्या है कि द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थ्रू ए सोलेनोइड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में एक पोल कैसा बिहेव करता है? नॉर्थ पोल जैसा, और दूसरा कैसे बिहेव करता है? साउथ पोल जैसा। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या बोल दिया गया, यहाँ पर यह बोल दिया गया दैट जो सोलेनोइड है वो कैसा बिहेव कर रहा है? एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। वेट फॉर अ सेकेंड, यू विल सी द डायग्राम। चलिए सी ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे देखते हैं। सी कैसा होता है डायग्राम? कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे मेरे पास कॉइल्स रहते हैं, कुछ इस तरीके से मेरे पास कॉइल रहता है। नीचे मैंने किसको कनेक्ट कर रखा होता है? एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा होता है कुछ इस तरीके से। चलिए, और यहां से कुछ करंट ऐसे फ्लो करता है, फ्लो करता है, फ्लो करता है, करंट ऐसे फ्लो करके वापस आता है। यहाँ जब अपन मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट लाइक दिस, कुछ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मेरे को देखने को मिल जाती है, एग्जैक्टली इन द मिडिल पैरेलल होती है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अपन कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दिस इज सीन फॉर ए बार मैग्नेट, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा बार मैग्नेट के साथ देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और यहां से कुछ इस तरीके से मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्ड, कैसा दिख रहा है? दोनों सेम दिख रहा है, इसीलिए अपन ने क्या बोला कि एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है। एक पोल नॉर्थ बिहेव करता है, एक पोल साउथ बिहेव करता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सोलेनोइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट।
बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखे, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट? बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर मेरे को एक बार मैग्नेट पता हो और मैं उसे सोलेनोइड के पास लेकर आऊं, तो जिस एंड से रिपल्शन होगा, मैं नॉर्थ पोल को अगर नॉर्थ पोल के पास लेकर आऊंगा तो रिपल्शन होने लगेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाला पोल भी कैसा है, नॉर्थ पोल है. और दूसरा पोल पे भी ऐसे ही करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन से भी पोल्स मेरे पास गिवन हैं. चलिए सेकंड क्या बोल रहा है, इसके नेक्स्ट मेरे को बोला जा रहा है कि ये क्या बताइए, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? कल की क्लास में अपन ने देखा था कि लार्जेस्ट फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, तो इसका आंसर अपन दोबारा नहीं करेंगे. हम जानते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, तो लार्जेस्ट क्या रहता है, उनके बीच में फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, तो ये अपन ने कल देख लिया. टेंथ क्वेश्चन देखते हैं. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विद योर बैक ऑन द वॉल, सॉरी बैक टू द वॉल. एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन की बीम हॉरिजॉन्टली मूव करती है फ्रॉम बैकवर्ड्स टू द फ्रंट वॉल. मतलब आप जिस जगह पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग विद योर बैक टू द वॉल, और आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम सामने जाती है. आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम सामने जाती है and is deflected by a strong magnetic field to your side. मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से टूवर्ड साइड, राइट साइड डिविएट हो जाती है. तो कौन बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन रहेगी? वेरी गुड क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन. पहले अपन देखेंगे इसका डायग्राम बना के कि चल क्या रहा है, उसके बाद अपन बात करेंगे. चलिए, आई वॉन्ट दो स्टूडेंट्स जो इसका आंसर बता पाए. आंसर बता दोगे तो रिजाइंड करके देखना, मैं उनसे पूछ लूंगा. काफी बच्चों ने रिजाइंड कर भी दिया है. अभी मैं पूछता हूं, पहले एक बार अपन डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं हो क्या रहा है. एक रूम है, ये फोर वॉल्स है रूम की. इधर की तरफ आप खड़े हैं यहां पर ऐसे कि जो वॉल है वो आपकी बैक पे, ठीक है, जो वॉल है वो आपके बैक पे, ठीक है. और एक वॉल से कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बीम टूवर्ड ऐसे राइट मुड़ जाती है, जैसे राइट मुड़ जाती है. किसकी वजह से? एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से राइट मुड़ जाती है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम पे इस तरफ क्या लगा? एक फोर्स लगा. इस तरफ क्या लगा? एक फोर्स. माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोगों को बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्वेश्चन?